Hello students, this is your chapter 17 United Nations के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। United मतलब एक साथ होना, Nations means राष्ट्र, तो यानी राष्ट्रों का एक साथ होना, हम वो इस चीज़ में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। So children, I want to ask you one thing that Do you always get along with your family? कभी भी आप गए हैं अपनी फैमिली के साथ कहीं पे और हमेशा कभी अपने साथ रहे, मतलब आप हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे हैं, यू स्पीक द सेम लैंग्वेज, आपने देखा होगा आप जो परिवार में एक साथ रह रहे हैं वो सभी भाषाएं भी एक जैसी बोलते हैं, लिव इन द सेम हाउस, एक ही घर में रहते हैं, एंड ईट द सेम फूड, और जो खाना सभी लोग खा, जो एक मतलब घर में बनता है खाना, वही खाना सभी लोग खाते हैं। बट डू यू ऑलवेज गेट अलॉन्ग विद दैम, क्या तुम हमेशा ही उनके साथ में रहे हो, हमेशा ही कहीं पे गए हो, मतलब जान रहे हो हमेशा? देर आर मोर देन 7 billion पीपल्स इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, एंड दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड हैव डिफरेंट बिलीव्स। अब यह है कि अब देखिए बेटा कि देर आर मोर देन 7 billion, 7 billion से भी ज़्यादा लोग जो इस पूरी दुनिया में रहते हैं, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और वो अलग अलग अपनी भाषाओं में बात करते हैं, एंड हैव डिफरेंट बिलीव्स, और उनकी धारणाएं भी अलग अलग हैं। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस अराइजेस, इसलिए ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कुछ भी गलत, कोई गलत फहमियाँ या उतार चढ़ाव नेशंस के बीच में खड़े हो सकते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, देयर हैव ऑलरेडी बीन 2 disastrous वर्ल्ड वॉर्स। आप लोग हम लोग जानते हैं कि पहले ही हमारे जो है 2 बहुत ही जो खतरनाक थे, जो जिसने सारा तबाही मचा दी थी, इस तरह के 2 वर्ल्ड वॉर हमारे हो चुके हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसके अंदर हजार मतलब लाखों करोड़ों के आसपास, मिलियंस के आसपास जो है पीपल्स मारे गए थे, इंसान मारे गए थे। कैन यू इमेजिन द सफरिंग्स दैट दिस वॉर कॉज टू द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हो इस चीज़ का कि वो पीपल ने किस तरह का फील किया होगा, कैसे वो लोगों ने सर्वाइव किया होगा, कैसे रहे होंगे उनके जब उनके साथ के लोग मारे गए इस तरह के हादसे में, इस तरह के वॉर में। द यूनाइटेड नेशन वॉज क्रिएटेड टू फोस्टर पीस, मतलब जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसने जो क्या किया था कि इनको जिनके साथ में ये प्रॉब्लम्स हो गई हैं, मतलब जो वर्ल्ड वॉर में मारे गए हैं सब हो गए हैं, उनके लिए सहायता प्रदान की जाए, मतलब उनको किस तरह से उनको सहायता किया, उनको हेल्प किया इस तरह से कि वो लोग उस हादसे से उभर सकें, एंड प्रिवेंट वॉर्स इन द फ्यूचर, और जिससे कि जो उनके साथ में मतलब घटना घट चुकी थी वॉर के टाइम पे, उन सब चीज़ों से वो कैसे बाहर निकल सकें। On 24th October 1945, representatives from 51 countries met in San Francisco, USA and signed the UN Charter. अब क्या है कि कब की बात है ये? On 24th October में 1945 में सभी जगह के representatives, यानी 51 countries के जो representatives थे वो San Francisco में मिले थे, एंड जो कि USA में है, एंड साइन द UN चार्टर, और जहाँ पर उन्होंने एक UN चार्टर साइन किया था। टुडे देयर आर नियरली 200 मेंबर स्टेट्स दैट फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन, और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो उसके अंदर 200 मेंबर्स हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। द मेंबरशिप to the UN is open to all peace loving states, membership जो है वो इन सभी लोगों के लिए जो कि peace चाहते हैं, यानी जो शांति चाहते हैं और शांति चाहते हैं अपने states में, वो लोग इस चीज़ से मतलब इस धारणा से that are willing to accept the term given in the charter। अब जो charter दिया हुआ है उसके अंदर जो भी terms and conditions दिए हुए हैं वो इन सब चीज़ों को accept करते हैं। The UN adopted its own flag and logo in 1946. अब जो UN ने जो है उसने अपना एक flag और अपना logo अलग adopt किया था, adopt ले लिया था
1946. The blue flag with white logo stands for peace and unity. अब जो blue flag है and उसके ऊपर white logo से जो बना हुआ है, एक चित्र सा बना हुआ है, एक पिक बनी हुई है उस पर, जिसका मतलब होता है पीस एंड यूनिटी, जिसका मतलब शांति और एक साथ होना, उसका मतलब निकलता है. सो स्टूडेंट्स देखिए, ये है यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग, जिसमें देख रहे हैं आप साइड में जो फ्लैग है उसके ऊपर लोगो बना हुआ है एक, देख रहे हैं आप लोग. दिस वॉज दैट ब्लू फ्लैग, राइट. दिस इस फ्लैग के बारे में ही अभी हम इसमें बात कर रहे थे जब तुम्हें. चलिए आप पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन आर, अब जो है कि जो हमारे यूएन के लिए है कि हम जो बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसका जो मेन चीज़, मतलब क्या है कारण जिसकी वजह से इसको बनाया गया है, और क्या इसके अंदर से ऐसा होता है कि जो लोग सभी लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उसके थ्रू ही ये लोग वर्क करते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के अंदर हमको जो है इनका मतलब जो हमारे लिए है कि शांति बनाए रखना है, बिल्कुल शांति होनी चाहिए. ये ना हो कि लड़ाई हो रही हो, कुछ हो रहा हो, अगर कोई भी बात ऐसी क्रिएट होती है, कुछ होता है, तो इनको इन्फॉर्म किया जाता है. ये आपस में इस चीज़ में हमेशा जुड़े रहते हैं. अगर कोई भी बात होती है तो ये लोग आपस में यूनाइटेड नेशन के अंदर जो उनका है उसमें सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है. सेकेंड थिंग, टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द नेशंस. दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें अपने एक फ्रेंडली रिलेशन, मतलब एक दोस्ताना व्यवहार के थ्रू उनको रहना होगा जो उनके जो नेशंस है आपस में उनके साथ में. तो एंड द थर्ड वन, टू वर्क टुगेदर टू हेल्प द पुअर, यानी कि हमें एक साथ काम करना चाहिए जिससे कि हम जो पुअर लोग हैं उनका हम हेल्प कर सकें. टू फाइट हंगर, भुखमरी से हम लोग उससे फाइट कर सकें. मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी देश में, तो सभी एक साथ खड़े होकर उसके हेल्प कर सकें. दूसरी चीज़, इलिटरेसी एंड डिजीजेज, एंड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स राइट्स एंड फ्रीडम. और इलिटरेसी, मान लीजिए कोई अनपढ़ है, कुछ है, तो उस चीज़ से भी हमें लड़ना है. कोई बीमारी हो जाती है तो उसको भी हमें हेल्प करना है कि उस बीमारी से हम कैसे दूर निकाल सकते हैं. टू हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स, एक दूसरे के लिए हमें रिस्पेक्ट होना चाहिए, आदर की भावना रखनी चाहिए. एंड राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑल्सो, और हमें उनके जो राइट्स हैं उसको हमें पूरा आदर देना चाहिए, एंड आज़ादी का पूरा ख्याल रखना चाहिए. और लास्ट चीज़ है, दैट इज़ टू एक्ट एज अ सेंटर दैट हेल्प्स नेशंस अचीव देयर गोल्स. टू एक्ट एज अ सेंटर मतलब कि हमें जो अचीव है, मतलब हमारा जो मेन चीज़ है जो है कि हमें नेशन के अंदर शांति रखनी है, कोई लड़ाई नहीं करना, कुछ नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों को हमें अचीव करना है, इन गोल्स को अचीव करना है, जिसके अंदर हमें कोई भी कैसी भी लापरवाही नहीं करनी है. सो बेटा, दिस इज़ अ पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट पार्ट we will study about the bodies of the UN. So it's okay, bye bye and take care.